अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रिजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो देखने वाले आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरियत से रखे, ये मेरी दिल से दुआ है आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो जो है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एक तो पहले नंबर पर ये जानना चाहते हैं कि हमारे पेपर कब स्टार्ट होंगे, किस तरीके से हमारे पेपर स्टार्ट होंगे, पहला पेपर कब होगा, ये भी जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे पेपर इस दफ़ा यूनिवर्सिटी किस तरह से लेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो सेंटर हैं जो स्लैब आने की वजह से वो जो एग्जाम सेंटर हैं वो बंद पड़े हैं। तो अब उन एग्जाम सेंटर के अंदर तो बच्चे बैठ नहीं सकते, पेपर दे नहीं सकते, तो पेपर लेने का नया तरीकेकार क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताने वाला हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। यू नो स्टूडेंट, जैसे भी कोई भी अपडेट आती है तो फौरन से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक वीडियो के जरिए मैसेज दे देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और मुझसे इतना हुआ मैं आप तमाम व्यूवर्स, तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूंगा। तो खैर तमाम स्टूडेंट, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार आप भी एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करें, इससे आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, मुझे हौसला अफजाई होगी और ये इंफॉर्मेशन ये शेयरिंग इसी तरह मैं आपके साथ जारी रखूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में खड़ी घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे करें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख पाएं। और जिन मेरी बहनों, भाइयों, स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बंडल ऑफ थैंक्स अगेन, थैंक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, सबसे पहले तो आपने डेट शीट कहाँ से और कैसे चेक करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन से वाले प्रोग्राम्स हैं जिनकी यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली डेट शीट के साथ साथ रोल नंबर स्लिप भी जारी कर दी है, और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उन तलबा की डेट शीट कब तक यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी, उन तलबा के कब तक पेपर स्टार्ट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बिल्कुल भी प्रिपेयरिंग नहीं है तो इस चीज़ के लिए आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना, आप 100% सोल्यूशन वाले गैस पेपर ले सकते हैं, उन गैस पेपर से आप पास हो सकते हैं। प्रीवियस कई सालों से स्टूडेंट्स उन गैस पेपर से तैयारी कर रहे हैं, जो एक दो दिन के अंदर ही आप अपनी तैयारी करके इस काबिल हो जाएंगे कि आप गारंटेड पास हो जाएंगे। अगर आप गैस पेपर लेना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो गैस पेपर हैं ये पेड है, इनके चार्ज आपको पे करना पड़ेंगे, बाकी ये बात है कि आप पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूँ कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा आपने डेट शीट कैसे चेक करनी है। यहाँ पर आपको वेबसाइट की स्पेलिंग नजर आ रहे होंगे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं apkms.com, इस तरह भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ब्रेन एकेडमी के नाम से वेबसाइट। इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पर आप जाकर आपको डेट शीट वाली पोस्ट मिलेगी, उस डेट शीट वाली पोस्ट में जाकर अपनी डेट शीट चेक कर सकते हैं। तो फाइनली जो है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक इंटरमीडिएट FAICOM की डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी, और इन तलबा की रोल नंबर स्लिप भी आ चुकी है, और जिन तलबा के जो पेपर मुलतवी हुए थे वो भी पेपर दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। BA BCOM ऑनवर्ड जितने भी क्लासेस हैं फेस टू के प्रोग्राम्स के जो तलबा हैं, इन तलबा की एग्जाम डेट की बात करें तो इन तलबा की भी जल्दी एक टेंटेटिव डेट मेरे सामने आई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपका पहला पेपर किस तारीख को होगा। लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं इन तलबा के एग्जाम सेंटर के अंदर ही पेपर होंगे, और इन तलबा के एग्जाम सेंटर के अंदर पेपर स्टार्ट है, और आगे जितने भी ऑनवर्ड्स क्लासे हैं जो फिजिकली पेपर देती हैं अभी तक उनके लिए भी कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि इन तलबा के ऑनलाइन लिए जाए, बाकी कोई भी फैसला आता है तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।